इतना ज़्यादा एक्साइटेड गाइस, देखो कोई आए नहीं, आई एम द फर्स्ट वन टू एंटर कम फॉर हिज बर्थडे पार्टी यू नो, तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल तो अलग ही पीक पे है. सो मैंने सोचा कि यार वेयर हो जाए तब तक आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो मैं सारे अरेंजमेंट्स देखने भी आ गई कि सब कुछ एकदम सेट है कि नहीं. सो आई एम द फर्स्ट वन टू कम हियर बिकॉज एक्साइटेड मैं एंड. बहुत गहरी फ्रेंडशिप है हम दोनों की. दो वी डू नॉट मीट क्वाइट ऑफन बिकॉज ही इज़ ऑल्सो बिजी इन हिज लाइफ, ही ट्रैवल्स अ लॉट, आई एम ऑल्सो बिजी, सो बहुत ज़्यादा मिलना नहीं हो पाता है. बट डेफिनेटली वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. एंड या ही इज़ अ फन लविंग गाय, ही इज़ अ फैंटास्टिक गाय, वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत जेंटलमैन एंड अबव ऑल ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल. सो उनके साथ बात करने में, इंटरेक्ट करने में बहुत मज़ा आता है. Wish you all the happiness in the world, Gunjan. You deserve all the happiness. You deserve every bit of it. You are a very hardworking guy. You are very successful. But yet, I would love to wish you all the success, name, fame, happiness, good health, wealth in the world, and all that you desire for. May all your wishes come true. Lots of love. Happy birthday once again. Enjoy. That's a secret. वो मैं आपको क्यों बताऊँ? Birthday boy पहले देखेंगे, उसके बाद birthday boy आपको बताएंगे कि उनको क्या gift मिला मेरे से. हाँ? कल कल. कल बताएंगे. दैट्स अ सीक्रेट ऑब्वियसली. सो ऑनेस्टली मैंने सोचा आज धमाका करने वाले, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने दोस्त का बर्थडे पार्टी यार. सो डेफिनेटली आई एम वेरी वेयरिंग समथिंग वेरी सिंपल सा, एक ब्लू कलर का कॉटन का ड्रेस है एंड नॉर्मल जस्ट मेस्ड अप कर्ली हेयर, नो एक्सेसरीज, नथिंग, जस्ट अ वॉच बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू बी कम्फर्टेबल एंड बी माई सेल्फ बिकॉज आई एम शूटिंग एंड आई गॉट अ वेरी हेक्टिक डे, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी कम्फर्टेबल. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. Oh, I'm very excited. I think Gunjan is one of the best anchors on TV and he's a very, 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 very old friend. So I'm very excited to meet him actually. Wish you a very happy birthday aur aise hi hum log ko entertain karte raho. Gunjan, I think you're one of the best anchors that we have on TV. Aur aise hi entertain karte raho aur aise hi ghoomte raho jaise tum ghoomte rehte ho. Main actually koi gift leke hi nahi aaya. So, I'll hug him and wish him actually. Thank you, thanks, thanks. Thank you. Thank you all for coming. Thank you very much. ऐसे कैसे मानू, गाना गाओ, गाना गाओ सारे पहले. सबने ऑडियो म्यूट किया हुआ है यहाँ पे भी. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग है. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग है. थैंक यू वेरी मच यार, बहुत खास होने वाली है. मेरा 21वां जन्मदिन है. फाइनली आई कैन वोट, आई कैन ड्राइव एंड आई कैन ड्रिंक ऑल्सो, लाइक नॉट इन द सेम ऑर्डर. 25 हो गया. ओ शिट, ओ आई सी, इससे पता लगता है कि मैं कितना परे हूँ इन सब चीज़ों से. नो, सो आई एम ग्लैड. इट्स अ वेरी स्पेशल डे. और मैं बताऊँ स्पेशल क्यों है. मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी आज ही होती है. आज मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी होती है. सो इन मेनी मेनी ईयर्स इट्स द फर्स्ट टाइम माई पेरेंट्स सेड कि यार हमें अकेला छोड़ दो, हम अपनी एनिवर्सरी अलग मनाएंगे, तुम अपने पार्टी अलग करो. सो आज मेरे माता पिता जो हैं एक रोमांटिक ड्राइव पे निकल गए हैं एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सेलिब्रेट माय बर्थडे विद माय सिस्टर्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स. यार फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हैं, थैंक यू वेरी मच. सो ऑब्वियसली बहुत धमाकेदार होगी. आई हैव सम ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. पीपल फ्रॉम चंडीगढ़ हैव कम, पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई लाइफ हैव कम.
all those people who've shaped my life professionally, personally, they all are going to be here. I'm very, very happy and very, very grateful. यार हमारे साथ ना हर साल एक ऐसा होता है कि बिकॉज आई टोल्ड यू माय पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी भी होती है सो हम हमेशा अपने गुरुजी के आश्रम में होते हैं वी ऑलवेज स्टे देयर लेकिन उससे पहले जो मेमोरी है वो ये होता है कि नानी के घर जाते थे हम लोग और वहाँ पर बिकॉज आई एम दी एल्डेस्ट सन इन द होल नानके आई डोंट नो इफ यू रियलाइज मेरी नानी की साइड से मैं सबसे बड़ा हूँ सो मेरे को जो पैम्परिंग मिलती है वो किसी को नहीं मिलती है पूरे खानदान में सो दैट इज़ वन थिंग विच आई रिमेंबर माई नाना जी आई रिमेंबर गॉट मी अ 7-tier केक ओनली फॉर मी लाइक और ये मैं बात कर रहा हूँ उस ज़माने की जब ये ऐसे टीयर वाले केक नहीं होते थे सिर्फ पाइनएप्पल पेस्ट्री टाइप चीज़ें होती थी तो उन्होंने मेरे लिए एक 7-tier का केक बनवाया था एंड आई रियली रिमेंबर दैट एंड आई वॉज लाइक बिकॉज द केक वॉज बिगर देन मी सो आई वॉज लाइक दैट इज़ फैंटास्टिक यार मैं ये विश करना चाहता हूँ कि जब मैं 100 साल का हो जाऊँ तो आप सब लोगों के साथ बर्थडे मनाऊँ यहाँ पर नहीं कहीं और कहीं पर भी बट तब लोग तुम लोग तेरी हेल्थ देख के लग नहीं रहा तो रहेगा बट भाई हैवी होगा थोड़ा कम कम आई एम जस्ट किडिंग आई जस्ट होप आई सेलिब्रेट माई 100th बर्थडे विद यू एज वेल देखिए मैंने जब इनविटेशन भेजा था तो मैंने उसमें लिखा था कि प्लीज़ कोई गिफ्ट ना लेके आए और स्टार लगा दिया था उस इनविटेशन पे सो यू नो व्हाट आई मीन लाइक द मोमेंट यू से दैट आई डोंट नीड एनी गिफ्ट मीन्स कि गिफ्ट ज़रूर लेके आना यार सो अभी ये तो यार लोगों से पूछना चाहिए कि क्या लेके आए हैं और मैं जो आदमी कहे ना कि मैं सिर्फ फूल लेके आया हूँ दुआएं लेके आया हूँ उसको तो उसकी एंट्री बैन करनी चाहिए आपको या सो आई होप अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलेंगे लाए हो ना कुछ अच्छे अच्छे सो या सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल बी ब्रिंगिंग गिफ्ट बट अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन जस्ट गिफ्टेड मी दिस वॉच दिस मॉर्निंग सो आई एम वेरी हैप्पी सो इट्स अ गुड वॉच यार आई यू नो ऑल दी एक्टर्स एनी आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज ओनली बिकॉज ऑफ यू नो ऑल दी लव वी गेट फ्रॉम पीपल अराउंड द ग्लोब सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू इनफैक्ट सुबह से मेरा फ़ोन जो है वो रुक ही नहीं रहा है बहुत सारे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया मेरे को एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए मैं सबको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा बट थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड कीप रॉकिंग इट्स अ सिंपल लुक यार मतलब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता आई एम जस्ट अ सिंपल गाय मोस्टली आई ऑलवेज वेयर So normally what happens is I only wear black jeans or a t-shirt and I only wear black jeans, t-shirt, white sneakers. I have a collection of white sneakers. So my brother used to say to me a lot, he said that he's crying for a red shoe. So I don't wear any other color. So jacket, my brother gets me, I wear it. So I'm a very simple guy that way. But I think he just got same like that. Thank you very much. Thank you and please have a great time. And once we're done with this, I would really be happy. Once you're done with this, let's party. Thank you very much. Ready. Wishes, बहुत ढेरों wishes. I know Gunjan since like a decade now, and I'm very happy for him from where he. Always wanted to pursue anchoring and wanted to be right up there and there's where he is and I think he's going to do really well and all the best for another decade. May he go all the way up. Just best wishes for everything he wants. Happy birthday, Gunjan. Happy birthday. Anything what? Gunjan is a very honest guy, very honest and very down to earth. And I hope he remains like this for the rest of his life. That's it. मैं अभी सबके साथ में शेयर करूँ हाँ 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 गुंजन बहुत ही
शाई किस्म का इंसान है वैसे, लेकिन दिखाता नहीं है, एंड वेरी फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, बट ही इज अ बिग प्रैंकस्टर. यस, शाई एंड फ्रेंडली एंड अ प्रैंकस्टर ऑल्सो एट द सेम टाइम. सो पता नहीं चलता है कब वो मजाक कर रहा है, कब वो आपकी टांग खींच रहा है. और एक दो बार मेरे साथ ऐसा हादसा हो चुका है जब वो शूट में वो मेरे साथ कर चुका है, बट वो मैं शेयर नहीं कर सकता यहाँ पर. आई एम सो सॉरी. यस, ये रहे. बस प्यार है इसमें. बस प्यार. अबाउट माय लुक, मैं तो ऐसे ही आ गया था बस. लुक तो इनका है. नहीं, तो टी शर्ट और जीन्स पहन के आया हूँ. Guys are best in black on. Thank you so much. A 40%. Thank you. Visual. Thank you.
What do you want me to say? Happy birthday, Gunjan! I think it would be more personal if I just walked in and said, Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you, Gunjan! Happy birthday to you! Thank you, everyone. What? I just sang! I really did. I did sing. Thank you. Again? Why should I sing again? Rolling! I think it would be really personal if I actually walked in and said Happy Birthday Gunjan. So, Happy Birthday Gunjan, may you continue to prosper and have a fabulous year. May you continue to spread the happiness and the cheer. And then in my own style, it would be Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. पता नहीं मुझे अंदर जाके चेक करना है सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू आई एम गोना गो इनसाइड एंड फाइंड आउट थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू कैन आई स्टैंड ऑन दिस सॉरी सॉरी गॉड कुछ गिरा है क्या सॉरी वो उनकी तरह थोड़ा सा I'm very happy because I think ये पहली बार है कि गुंजन एक्चुअली में बोलते हैं इतना सॉरी ये पहली बार है कि गुंजन ऐसा इतना सब लोगों से मिलाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड मुझे इस पार्टी की थीम सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज मुझे खुद को भी ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है तो आई एम वेरी हैप्पी कि एक ट्रैवल थीम पार्टी है एंड मैंने बहुत सोचा कि मैं पहले एयर होस्टेस जैसे ड्रेसअप होकर आऊँ बट देन फिर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया मैं मेरा एक दिमाग में ना विश बहुत फिक्स था गुंजन के लिए हैप्पी बर्थडे गुंजन फ्रॉम गुंजन बिकॉज यू नो एवरीबॉडी अभी भी सोशल मीडिया पे मुझे गुंजन के नाम से ही बुलाते हैं तो मैं बेसिकली गुंजन को वैसे ही एक बहुत हार्टफिल्ड उतना ही हैप्पी एंड सक्सेसफुल बर्थडे विश देना चाहती हूँ जितना कि मेरे फैंस ने मुझे एज गुंजन दिया हाँ आई थिंक बहुत साल पहले मैंने एक फ़ोटो अपलोड की थी सोशल मीडिया पे गुंजन एंड गुंजन सो आई फील लाइक हमारा वो कनेक्शन वहीं पे बन गया समवेयर नेम का हाँ मैं गिफ्ट अगर यहाँ बता दूँगी तो गुंजन को पता चल जाएगा बट इतना बता सकती हूँ कि ट्रैवल से रिलेटेड है जैसे ये बर्थडे पार्टी मेरा लुक लाइक आई सेड पहले मैं जैसे कुछ एयर हॉस्टेस टाइप पहनना चाहती थी बट लास्ट मिनट मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया एंड इसलिए दिस इज़ एक्चुअली वेरी नाइस सिल्क मटेरियल जो मैंने बहुत पहले खरीदा था एंड अब इसका एक ड्रेस बनवाया तो इट्स वेरी स्पेशल दैट वे हाँ यार ये सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं एक्चुअली मैं कहीं गई थी नहीं एज सच यू नो मैं कहीं गई नहीं थी टू कम बैक बट या मेरी साउथ फिल्म अभी जस्ट रिलीज होने वाली है सो आप लोगों के विशेष चाहिए होंगे आई थिंक जस्ट 90 डेज ड्यू है 3 मंथ्स में आ जाएगी थैंक यू ओह मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही बिग बॉस को मैंने अपना भी सीजन आज तक नहीं देखा एंड ना मैंने उसके बाद कभी देखा है थैंक यू बर्थडे बॉय के बारे में यही कहूँगा कि भाई बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है एक तो कुछ सिर्फ दोस्त होते हैं और कुछ बहुत प्यारे दोस्त होते हैं तो जिसमें से गुंजन मेरे प्यारे दोस्तों में से जो कि हमेशा मैं गुंजन के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारता हूँ बहुत मस्ती करता है मुझे मस्ती करने वाले लोग बहुत पसंद हैं तो हमेशा मज़ा आता है हम लोगों ने एक शो साथ में किया उसके बाद हमारी बड़ी गहरी दोस्ती हो गई
आपका मूड कितना भी खराब हो, आप गुंजन से मिलते हो तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। सबसे अच्छी बात गुंजन की है। मैं ये कहूँगा कि हम लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं धमाल करते हैं। बोले तो मैं गुंजन को यही कहूँगा, बाबा अभी जैसा वो आदमी है ना, आदमी तो अच्छा है, एक्टर भी बहुत अच्छा है, बोले तो उसको ऊपर वाला बहुत सक्सेस दे जितना वो डिजर्व करता है, बोले तो फाइव 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 फाइव। मैं बिल्कुल दिल से उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, हमेशा खुश रहें, और बहुत कुछ सीखा है कपिल भाई से मैंने, तो मेरे दिल से दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, थैंक यू। नहीं अभी जैसे कि कपिल भाई के बारे में हमेशा से मैंने देखा है कि वो कंटेंट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो कंटेंट बहुत अच्छा ही लेकर आएंगे, जो आएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, पूरी उम्मीद है, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे। बॉलीवुड में भी एक शादी का माहौल चल रहा है, रणवीर का, प्रियंका, तो आप कैसे देखते हैं, कोई आपके अंदाज में शादी के लिए कुछ हो जाएगा? अभी जैसे मेरी शादी को 3 साल हो गए ऑलरेडी, मेरी बेटी का 2 दिन बाद बर्थडे है, तो मैं यही कहता हूँ कि बहुत खुश रहें जिन जिनकी शादियाँ हो रही है, और वाकई में शादी के बाद एक बहुत ही अच्छा एहसास होता है, फीलिंग होती है, तो सबको वो मतलब वो अच्छी शुभकामनाएं कि खुशी से ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुंजन द बर्थडे बॉय, इतने सारे माइक लगे हैं, उसी का बर्थडे हो सकता है जो इतना बोलता है पूरा टाइम। ही इज़ अमेजिंग, आई लव हिज सेंस ऑफ ह्यूमर या, एंड ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज़ टर्निंग अ ईयर ओल्डर, मे ही ऑल्सो टर्न वाइजर। क्या बर्थडे विशेस लेकर आए हैं आप उनके गुंजन के लिए? मे ही ऑल्सो टर्न वाइजर। नहीं, ही शुड जस्ट कीप ग्रोइंग यार, नॉट ओनली इन एज बट ऑल्सो उनके रुतबे में, एंड ही शुड जस्ट कीप शाइनिंग। ही इज़ वेरी फुल ऑफ एनर्जी, ही इज़ ऑलवेज वेरी इन्फेक्शियस, आई एम वेरी एंटरटेन वेन एवर ही इज़ अराउंड। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर वेरी, एंड ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग प्रैंक्स, तो आई थिंक मैं उनसे बहुत सारे टिप्स लेता रहता हूँ समझने के लिए कि यार क्या करूँ सेट पे, कैसा करूँ सेट पे, ऑल ऑफ दैट। अब ये तो अंदर जाके पता चलेगा, ऑल माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी गॉन इन एंड इज हियर द कूलेस्ट बॉय इन द प्लेनेट, लव यू बाजी बोलते भाई, एक सीन करो आई लव यू ऑल। सो सब सारे बेसुरों ने मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग गाया है। ये तेरा बर्थडे है इसलिए देख कितने माइक लगे। That's Raghav Sachar, the guy जिसकी वजह से मैं shift हुआ अपने नए घर में। अच्छा, I think मैंने कितने लोगों को shift करा दिया। The coolest pad, पाजी, you'll have to sing one song for me, please। इतने बेसरे लोग आके गए मेरे लिए। सब लोग, आप सब गाएंगे मेरे साथ, और आप भी गाएंगे, और आप भी गाएंगे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Gunjan, happy birthday to you। अब सुरीला बना ना, नहीं तो इतने बेस्टर लोग आ गए। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, 25 लोग इकट्ठे हो गए, इतना गंदा गाया ना। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, थैंक यू। ओके, ये तो बर्थडे सॉन्ग हो गया, क्या एक सॉन्ग जो आप उनको डेडिकेट करेंगे उनके बर्थडे पे? ओह माय गॉड, गाना डेडिकेट करेंगे जो आपका मन करे, जो मन करे आप, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ये 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 इसका डेडिकेशन, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। ओके, मैं सोच रहा हूं, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिल रुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये इसका कातिल। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। नो नो, थैंक यू, थैंक यू। सो ही इज माय एल्डर ब्रदर, वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियंस वी हैव इन द कंट्री, एंड यू नो इट्स बिकॉज़ ऑफ हिम दैट आई मूव्ड
to a new building, and a lot of things changed for me in my life, positivity. And this dude is the coolest dude I've ever met in my life. Ever met in my me life. Me too. And aapka question alag hai. Ye alag question. Yaar, ye log bahut acche hai, pata hai, cakes aur pastries, wastries aur chocolates bhi banate hain. Isliye paaji ye nahi hoga. Isliye main inka dost hoon. Theek hai, ye. So he gets free chocolates from my side, that's why. Thank you for coming over. Chalo, andar chalo. Chalo, chalo. Thank you. बर्थडे के बॉय, बर्थडे बॉय के बारे में ये कहूँगा कि वो वहाँ पे होस्टिंग क्यों कर रहा है, अपने बर्थडे में भी काम क्यों कर रहा है ये बंदा. बट आई जस्ट वांट टू से दैट ही इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट गाइस. अच्छा, कपड़े खरीदो तो दिखाने तो पड़ेंगे. हैप्पी बर्थडे टू द स्वीटेस्ट गाय मैन. ही इज वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइस अराउंड, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गाइस अराउंड. एंड ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बर्थडे है, सच बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. बुलाया उन्हीं बंदों को जो अच्छा बोलेंगे मेरे पास. बस यार चेक भिजवा देना यार. Happy birthday, buddy. No, but honestly, he's one of those very cool guys, and I remember talking to someone. So somebody said, who are the good anchors, etc., and do you look each other as competition? And I said, there are very few people I genuinely love, respect, and admire, and this guy actually is one of those people. We've done a lot of shows together. Yeah, man. And I'm glad that... So, it's mostly been like, main ga raha hota hoon and you've been hosting. Like, exactly, it's mostly been exactly, like that. Exactly. So very soon, we'll be hosting a show. It has always been my dream that we should host a show. We've actually spoken about this before. Yes, we have. हमने बोला कि यार तू ये show कर रहा है, मैं ये show कर रहा हूँ. एक दिन हम लोग दोनों साथ में show host करेंगे. And that will also happen very soon. Finally, अभी तो हो गया. एक channel पे तो आ गए हैं. अभी एक channel पे तो आ गए हैं. So hopefully Sardar will join us very shortly. So hopefully we'll be doing that. जाओ एक और singer आ गए. The most beautiful, magical girl. पहले से तारीफ कर देते हैं आने से पहले ही. मतलब पूरी दुनिया, पूरी दुनिया में एक ही बंदी को बुलाया गया दीपिका की शादी में. क्या बात है, दीपिका रानी कम. अच्छा वहाँ पे भी फोटो खींचेंगे. आप तो जल्दी आने वाले थे. मैं तो कल आने वाली थी. कल ही आने वाली थी. So let's have a video together and then I'll just move out to say hi to a lot of other people as well. Cheers, bye bye. Carry on. I'll just say bye. मेरी बातें हो गई. Do I need to? हर्षदीप जी क्या कहना चाहेंगी आप गुंजन के बारे में? कहूंगी कि happy birthday गुंजन, और भवरे की गुंजन है मेरा दिल, और बस गुंजन यूं ही गुनगुनाता रहे और सबको हंसाता रहे. बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वाकई दिल से भी बड़े अच्छे हैं. वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. दिल से बड़े चंगे हैं, चंगे मुंडे की तरह. क्या बात है. तो गुंजन इज आल्सो अ पर्सन लाइक दैट, वेरी स्वीट और सोना बंदा है. बहुत सोना बंदा है, अच्छा लड़का है. यस. अपने अंदाज में कैसे, मतलब आप बताओ. आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल. मैं आधा प्रोफेशनल. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू गुंजन, हैप्पी बर्थडे टू यू उतरे जा. हैप्पी बर्थडे टू गुंजन, हैप्पी बर्थडे टू यू. तो ये सॉन्ग ही तो था. बर्थडे सॉन्ग ही तो गाए. अभी हम लोग फिर विदाई के गाने लगाने लग जाएंगे. गुड़िया रे गुड़ी. व्हाई डोंट यू गो इन, मैं जॉइन कर, मैं बैकिंग वोकल्स दूंगा. पर कौन सा गाना? कोई मुंडे के बारे में बताओ. मुंडे, ये मुंडे गली दे गुंडे, ये भी अच्छा है. है ना? ए मुंडा गली दा गुंडा. नहीं, गुंजन गोरा मन जाएगा, बहुत ही शरीफ लड़का है. सो हैप्पी बर्थडे अगेन टू द बर्थडे बॉय. एंड अब हम कुछ अंदर जाकर कुछ खाते पीते खाए पिएंगे. थैंक यू यार. कहां रेडी अभी तो क्या विश लेकर आए हैं आप गुंजन के लिए उनके बर्थडे पर? मैं तो गुंजन को यही कहूंगा, गुंजन चढ़ता जा, लेकिन उसका नाम है गुंजन उतरते जा. तो ये मतलब नहीं है, लेकिन गुंजन हमारा दोस्त है और बड़ा प्यारा कलाकार भी है, और हमने काम भी किया है साथ में, और आज उसका बर्थडे है. मैं दिल से दुआ करता हूँ कि वो हमेशा तरक्की करे, खुश रहे और लोगों को इंटरटेन करता रहे. क्यों
कॉमेडी अंदाज ने, कॉमेडी तो उस दिन हो गई थी जब वो उसका हुआ था जन्म, इससे बड़ी कॉमेडी हो नहीं सकती। और अब कॉमेडी कर रहा है, लोगों को हंसाता है, और इसके जो मामा जी हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, रवि अरोड़ा जी, अगर शायद वो भी यहाँ पे आए होंगे, तो कॉमेडी अंदाज में मैं उनको क्या हंसाऊंगा, क्योंकि वो तो खुद लोगों को बड़ा हंसाते हैं, मुझे भी बड़ा हंसाते हैं, उनका छोटा भाई भी बड़ा अच्छा कलाकार है। तो मैं बस यही कहूँगा, खुश रहो, आबाद रहो गुंजन, चाहे दिल्ली रहो, चाहे पंजाब रहो, चाहे मुंबई में रहो, खुश रहो, बस यही मेरी दुआएं हैं। और थैंक यू। हाँ, कपिल की शादी हो रही है, और पहले तो मैं बड़ा अंदर ही अंदर डरा हुआ था कि मुझे बुलाएगा कि नहीं, और मैंने पक्का सोचा हुआ था नहीं भी बुलाएगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब उसका कार्ड आया, डिब्बा आया, तो मैं खुश हो गया, क्योंकि उसकी शादी हो रही है और उसने लोगों को बड़ा हंसाया है, हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को हंसाया है। हम दुआ करते हैं कि शादी के बाद वो भी इतना ही हंसे, वैसे तो बड़ा मुश्किल काम होता है शादी के बाद हंसना, लेकिन वो हंसेगा क्योंकि उसकी शादी बहुत अच्छी हो रही है और अमृतसर में हो रही है, और मैं सारे फंक्शनों में जा रहा हूँ। शो उसका बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि अभी खुशी के दिन चल रहे हैं, तो जब वो होता है ना कि एक टाइम आता है कि जब इंसान को खुशी मिलती है तो उसके सारे काम ही अच्छे होते हैं, तो अब शादी की खुशी भी है और शो की भी खुशी है। उसके शो में बड़े बड़े अच्छे कलाकार, मेरा खास कृष्णा उसमें वो भी है, भारती है, सब लोग हैं उसमें, और मैं भी हूँ देखने के लिए मैं देखूँगा उसका शो, और शो बहुत अच्छा होगा ये हमें पता है, क्योंकि उसके जैसा कलाकार कभी कभी पैदा होता है। थैंक यू सो मच। बाहर डबिंग से आ गया, वैसे कपड़े मेरे पास और भी हैं। पता नहीं, आप बताइए आप लोग ही लग रहा है धमाल कर रहे हैं मुझे नहीं पता था इतना बड़ा, मतलब गुंजन ने इतना बड़ा लाइक सेलिब्रेशन कर रखा है। मुझे तो गुंजन ने लाइक कल बहुत प्यार से कॉल किया, उसने बोला मेरी बर्थडे, आई लाइक यू टू कम, मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कम। और गुंजन के साथ तो मैं कई बार मिली, और हमेशा जब मिलता है बहुत प्यार से मिलता है, इज़ अ वेरी लवली गाय, एंड आई हैव ओनली वंडरफुल विशेस फॉर हिम फॉर हिज बर्थडे। हम लोग ज़्यादा नहीं मिले हैं, हम लोग कुछ तीन चार बार मिले हैं फ्रेंड्स के साथ, एंड जितनी बार भी मैं गुंजन से मिली, मैंने कहा कि बहुत वॉर्म पर्सनालिटी है उनकी, बहुत ही पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग है, और उनसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगता है, और यू नो देयर्स अ वेरी जेन्युइन फेस टू हिम जो आपको बहुत रेयरली मिलता है मीडिया में। क्या घर के कपड़े हैं, मुझे जो मिल गया सामने मैंने उठा के पहन लिया, सो दिस इज़ माई अटायर। थैंक यू सो मच। आपको कितना लगता है? It's complete, it was supposed to release sometime now, but the dates have been pushed. So when the dates will be out, you'll know, but the film has been complete. एक्चुअली गुंजन बहुत जल्दी से हाथ में आता नहीं है, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज ट्रैवलिंग, और आज उसका बर्थडे है, तो फाइनली मैंने गुंजन को बहुत कम बार देखा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए इंडिया में, बिकॉज वर्क कमिटमेंट्स होने के बाद वो हमेशा ट्रैवल करता है। सो आज पार्टी होगी, और गुंजन के साथ ऑफ कोर्स एसोसिएशन हैज़ बीन वेरी लॉन्ग, एज ही इज़ बीन होस्टिंग माई TPL ऑल्सो।
Gunjan, I have always looked forward to him as a very good entrepreneur, a good host, a good anchor, and most important, एक बहुत अच्छे इंसान है और उनकी sensibility of work और the kind of words which he uses in his work, I feel it's very appreciable and it's the right kind of word when you want to convey something to the world. देखिए पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों के लिए हम हमेशा अच्छा ही चाहते हैं और गुंजन के लिए मैं ऑफकोर्स चाहता हूँ कि वो अपने करियर में अपने लाइफ में बहुत राइज करें एंड ऑन नॉट ओनली ऑन हिज बर्थडे बट आई विश हिम दैट ही गेट्स द बेस्ट इन हिज लाइफ ही गेट्स द बेस्ट इन हिज करियर एंड ही कीप्स ग्रोइंग एंड ही बिकम्स अ गुड सुपरस्टार. गुंजन के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जो उन्हें टाइम के साथ थोड़ा मिलेगा जो मेरी ओर से और टेनिस प्रीमियर लीग की ओर से होगा तो थोड़ा सा एक सरप्राइज रखना चाहता हूँ मैं उसके लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.